दोस्तों, आज हम जिस शानदार स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है गुजरात कोटेक्स लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 6.99 रुपीज़ पे। ले चलते हैं आप लोग चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -49.42%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 316.07%, 1 ईयर में रिटर्न दिया है 336.88%, पिछले एक सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 262.18%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है 399.29%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 5.43%, 5 डेज में रिटर्न दिया है 9.91%, और 1 डे में रिटर्न दिया है 4.95%। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन वेबसाइट पे, यहाँ पे ऑडिट एनालिसिस करेंगे गुजरात कोटेक्स लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। गुजरात कोटेक्स इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक्स। ये जो कंपनी है गुजरात कोटेक्स लिमिटेड, इसकी जो काम जो धंधा जो व्यापार करती है ये टेक्सटाइल फैब्रिक्स की ट्रेडिंग करती है, उसका ये बिजनेस करती है। ले चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पर। दोस्तों, वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा वक्त लगा। दोस्तों, वेबसाइट है गुजरात कोटेक्स लिमिटेड की, जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई गई। जो पंच लाइन है, एड्रेसेस फॉर दोज हु आर लार्ज एंड टॉल, जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई इन्होंने। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है कंपनी के बारे में, तो और जानकारी इसी वेबसाइट पर आके आप चेक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो मार्केट कैप है वो 9.96 करोड़ की मार्केट कैप देते हैं, 100 करोड़ से एक वैल्यू स्टॉक है। इसकी जो करंट प्राइस है 6.99 रुपीज़ की है। कंपनी जो 52 वीक का हाई है 9.25 रुपीज़ का, 52 जो लो है 1.09 रुपीज़ का है। इसकी जो स्टॉक की पी है 17.8 की है। जो बुक वैल्यू है 4.52 रुपीज़ की है, अपनी बुक वैल्यू से महंगा ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड जीरो की है, ROC 8.35% की है, ROE 9.10% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ की है। दोस्तों, ये चार्ट है गुजरात कोटेक्स लिमिटेड का, जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है पिछले एक सालों में। क्रॉस चेक करते हैं काफ़ी गवर्नमेंट डेट पर, लगभग कजमुट कंपनी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्रॉस चेक करते हैं, द कंपनी है डिलीवरी पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.06% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पोर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है 2.06% की। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.56% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, कम है, 3.56% का है। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 328.35 डेज। कंपनी का जो डिबेटर्स है वो हाई है 328.05 डेज का है। ये कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है ट्रेडिंग के सेक्टर में काम करती है, इसकी इंडस्ट्री है ट्रेडिंग की है। इस सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर, रिटेल इंडिया, उसके बाद एजिस लॉजिस्टिक्स है, MMP से, उसके बाद रेन इंडस्ट्रीज है, देन कार ट्रेड टेक है, नंबर 7 पे ऑप्टिमस इंफ्रा है, और नंबर 8 पे गुजरात कोटेक्स है। हम इसी क्वार्टरली जो चेक करते हैं, जो 2019 में इसी जो नेट प्रॉफिट थी -0.03 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 0.55 करोड़ की, कंपनी नेट प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ी हुई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, मार्च 2009 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट थी -0.46 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 0.56 करोड़ की, कंपनी नेट प्रॉफिट को यहाँ पर बढ़ी हुई है। कपाड़े सेल्स ग्रोथ ट्रेडिंग में कोई जानकारी नहीं, 5 ईयर्स में 2%, 3 ईयर्स में -28%। कपाड़े प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेडिंग से जानकारी नहीं, 5 ईयर्स में 58%, 3 ईयर्स में -18%। स्टॉक प्राइस CAGR 3 ईयर्स में 14%, 5 ईयर्स में 30%, 3 ईयर्स में 80%, 1 ईयर में 334%। रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेडिंग से जानकारी नहीं है, 5 ईयर्स में 6%, 3 ईयर में 4%, लास्ट ईयर में 9%। इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मार्च 9 में कंपनी की जो टोटल एसेट थी 4.07 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स है 16.93 करोड़ की है। कंपनी टोटल एसेट्स है वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। इसी कैश फ्लो चेक करते हैं,
मार्च 9 में नेट कैश फ्लो की जानकारी यहाँ पे नहीं है। मार्च 2022 में नेट कैश फ्लो की जानकारी यहाँ पे नहीं है। रेशो चेक करते हैं। मार्च 9 में कंपनी जो कैश फ्लो साइकिल थी 524.69 की थी, और मार्च 2022 में कंपनी जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 101.35 की है। कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे कम हुई है। मार्च 9 में कंपनी जो ROC थी 3.97% की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो ROC है 8.35% की है। कंपनी की जो ROC है यहाँ पे बढ़ी हुई है। शेयरिंग पैटर्न चेक करते हैं। 2019 में कंपनी के पास 48.17% शेयर्स थे। मार्च 2022 में कंपनी के पास 48.17% शेयर्स है। कंपनी के शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। 2019 में कंपनी के पास 15.83% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में पब्लिक के पास 51.83% शेयर्स हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं। दोस्तों, हमने रिटर्न एनालिसिस किया गुजरात कोटेक्स लिमिटेड। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।